कम बैक नहीं हो रहा। ये शब्द हमारे जियान भाई के। क्या बोला तूने? अरे बादशाह भाई के, इतना नहीं समझते हो यार? गजब बेइज्जती है। अपने रैप सॉन्ग में हनी सिंह को डिस करके बादशाह भाई ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, और कम बैक नहीं हो रहा ये शब्द बोलकर तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। क्योंकि भाई जब से हनी पाजी का ट्रीजर काला स्टार लॉन्च हुआ है ना, तब से हनी पाजी के फैंस बादशाह भाई के ट्रीजर के नीचे जाकर ऐसा खड़ी खोटी सुना रहे हैं कि ना कि पूछो ही मत। क्योंकि भाई हम सभी लोगों को पता है कि जिस प्रकार से हनी पाजी के गाने का टीजर काला स्टार का लॉन्च हुआ है ना, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है गानों का। और भाई इससे पता चलता है कि हनी सिंह का स्वर कितना बड़ा हिट होने वाला है। क्योंकि भाई इस टीजर पे ना 2.9 करोड़ व्यूज आ चुके हैं और कम से कम 28 लाख लाइक्स आ चुके हैं। और भाई जो हनी सिंह का कुले कुले सॉन्ग है ना, वो तो बिल्कुल एकदम बवाल है यार। जाओ यार देखो। और ये जो हनी पाजी ने टीजर लॉन्च किया है ना, ये अब तक का सबसे बड़ा टीजर बन चुका है जो कि सबसे ज्यादा लाइक पाया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो भाई यार क्रेज देख रहे हो हनी सिंह जी का, कि कितना बड़ा क्रेज है यार। वैसे थोड़ी ना उस समय हम लोग जाते थे नाई की दुकान पर, कहते थे भाई हनी सिंह वाला कट काट, भाई क्रेज था उस वक्त हनी सिंह का, और आज भी है और रहेगा भी। तो ऐसे में हमारे जियान यानी बादशाह भाई कैसे चुप रह सकते थे, ये सब देखकर उन्होंने भी अपना एक गाने का टीजर लॉन्च कर दिया। और उनके इस वीडियो पे एक दिन में केवल 1 लाख व्यूज आए और 10,000 लाइक्स आए। और भाई अगर कमेंट की बात करें ना, तो हनी सिंह के फैन जा के इतनी गालियां दे रहे हैं, और केवल हनी सिंह से यो से उनका पूरा कमेंट बॉक्स भर चुका है। तो भाई इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे, चलो मैं बता दूं। इसका मतलब ये हुआ कि बादशाह के सॉन्ग पे जा रहे हैं लोग कमेंट करने के, क्योंकि भाई हनी सिंह के ही फैंस बादशाह के टीजर पे जा रहे हैं और कमेंट करके वापस आ रहे हैं, जिससे उनका व्यूज काउंट हो रहा है। यानी कि हनी सिंह के ही फैंस जा रहे हैं वहां कमेंट करने और उनका व्यूज बढ़ रहा है। और भाई मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बादशाह के स्टेज शो के दौरान हनी पाजी के नारे लगे, यानी कि यो हनी सिंह के नारे लगे। और अब ये सब देखकर लग रहा कि कहीं बादशाह को कमबैक करने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि भाई इस वक्त हनी पाजी के फैंस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। भाई रैप इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फैंस तो हनी पाजी के ही थे, लेकिन वो तो हनी पाजी का कुछ दिनों से इंडस्ट्री में ना रहने की वजह से लोग बादशाह जैसे लोगों के गाना सुनते थे। लेकिन बादशाह को जानना चाहिए कि भाई आपके लिए हनी केवल हनी ही है, लेकिन हनी पाजी हम लोगों के लिए एक इमोशन थे यार। भाई अगर आज भी हनी सिंह के गानों की बात करें तो 18 साल 20 साल के लड़कों के जुबान पे आज भी हनी सिंह के गाने ही चलते हैं। नहीं बादशाह भाई यार, क्या मतलब कि आप हनी पाजी को ही डिस कर दे, जो कि जिन्होंने आपको इंडस्ट्री में लाया। आपको खुद पता होना चाहिए कि यार हनी पाजी वो है जिन्होंने बादशाह को खुद अपने गानों में समोसे बेचवाए। अरे हनी पाजी वो है जिन्होंने खुद बादशाह का नाम बादशाह रखा। हनी पाजी वो है जो खुद बादशाह को रैप की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। तो बादशाह भाई आप हनी पाजी को यार डिस करके क्यों अपने पैरों में खड़ा करते भाई? अगर शेर बूढ़ा हो गया ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जंगल का राजा शेर नहीं होगा। अरे यार जंगल का राजा शेर ही रहेगा, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए। वैसे हनी पाजी अगर कुछ दिनों से कुछ अच्छे सॉन्ग नहीं लाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हनी पाजी का एकदम करियर ही खत्म हो गया। भाई हनी पाजी रैप की दुनिया में किंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो यार भाई अगर आप लोग भी हनी पाजी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यार यो जरूर लिखिएगा। और हाँ अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ भाई हनी पाजी का एक नया टीजर जो लॉन्च हुआ है काला स्टार, उसको जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। इसमें हनी सिंह का बिल्कुल फाड़ वाला कमबैक फिर से होने वाला है। दोस्तों काला स्टार वही सॉन्ग है जो देसी कलाकार सॉन्ग था। तो जाइए वीडियो को देखिए और वीडियो का फुल मजा लीजिए। अगर यहाँ तक आप देखे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।